नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिन भर की सुर्खी और संध्या प्रहरी में। भारत में कोरोना 3 दिनों से लगातार नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 800 को पार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के 909 मामले सामने आए और 34 की मौत हुई। विश्व में पोलियो। दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी की रोकथाम में कई देशों की सरकारें, चिकित्सक और वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इस बीच कई महामारियों को भी याद किया जा रहा है, जिसे दुनिया ने अपने प्रयासों से मात दिया और दूर भगाया। 12 अप्रैल का दिन भी एक भयंकर बीमारी के खिलाफ बड़ी जीत के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि आज के ही दिन डॉक्टर जॉन सल्क ने पोलियो की वैक्सीन का सफल परीक्षण किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक ने रविवार को दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर ताजा अनुमान कोविड-19 का प्रयास रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 2.8% रहेगी। यूपी में 5 बच्चों की मौत। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक माँ अपने 5 बच्चों के साथ गंगा में कूद गई, जिसमें माँ तैरकर बाहर निकल आई, लेकिन सभी बच्चों की मौत हो गई। अमेरिकी नौसैनिक। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अब अमेरिका की सेना भी इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गई। अमेरिका के 560 नौसैनिक कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। अगली सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा, भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उन देशों की मदद करेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। उन्होंने देशवासियों को यह सुनिश्चित किया कि भारत में इसकी मांग और स्टॉक में कोई कमी नहीं आएगी। कोरोना जांच किट। कोरोना वायरस की जांच करने वाली करीब 5 लाख विशेष किट भारत की जगह अमेरिका पहुंच गई है। केंद्र समेत कई राज्यों ने चीन की एक कंपनी को जांच किट का ऑर्डर दिया था, लेकिन निर्यातक व्यापारी ने माल को अमेरिका भेज दिया है। इस किट की मदद से महज आधे घंटे में जांच संभव थी। पंजाब में पुलिस टीम पर हमला। पंजाब के पटियाला में कर्फ्यू के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में एक ASI का हाथ कट गया तो कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, तो वहीं 7 आरोपी गिरफ्तार जबकि एक निहंग गोली लगने से घायल हैं। HDFC बैंक। चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना अर्थात PBOC ने मार्च की तिमाही में भारत के निजी क्षेत्र के हाउसिंग फाइनेंस लेंडर आवासीय वित्त ऋणदाता HDFC लिमिटेड में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी हासिल की है। इसके लिए PBOC ने HDFC के 1.75 करोड़ शेयर खरीदे। लॉकडाउन का मजाक। BJP विधायक M. जयराम ने टुंबुर के सरकारी स्कूल में अपने जन्मदिन की पार्टी रखी, जिसमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। इन्होंने न तो सरकारी आदेशों की परवाह की गई और न ही लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा।